देश भर के लगभग सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। पिछले 23 सालों में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब मानसून ने 2 जुलाई को देश के लगभग सभी हिस्सों को कवर कर लिया। इससे पहले साल 2001 और 2002 में भी ऐसा हो चुका है। वहीं 2001 और 2009 में मानसून 3 जुलाई को पहुंचा था। अब मानसून का असर पूरे देश में दिख रहा है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं जमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने जुलाई महीने में सामान्य मानसून का भी पूर्वानुमान जताया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 3 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 3 जुलाई यानी आज तेज बारिश की संभावना जताई है। लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून अपना असर दिखा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और चमोली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के कई अन्य जिलों में भी बिजली चमकने और मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती परिसंचरण से एक ट्रफ रेखा पूर्वी राजस्थान और गुजरात से होते हुए उत्तर पूर्व अरब सागर तक फैली हुई है।